गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंटीजर, राइट। पिछले कक्षा में हम लोगों ने देखा था इंटीजर पे बेस्ड क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट थे, नेचुरल नंबर के क्या कॉन्सेप्ट थे, होल नंबर के क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, उस सभी को हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटीजर पे बेस्ड उनका उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके इंटीजर को किस तरह से ऐड करते हैं, इंटीजर को किस तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस ऑनलाइन क्लास को। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंटीजर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि इंटीजर सबसे पहले किसे कहते थे, माइनस के जितने भी नंबर हो, राइट। माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव डॉट डॉट और इधर भी, यानी कि द कलेक्शन ऑफ निगेटिव नंबर, है ना, कलेक्शन ऑफ निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर एंड जीरो, राइट। द कलेक्शन ऑफ निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इंटीजर, है ना, इंटीजर क्या कहलाएगा, ये इंटीजर कहलाएगा, राइट। तो चलिए अब इसके कुछ इस पे बेस्ड एडिशन रहते हैं, सब्ट्रैक्शन रहते हैं, तो उसमें बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इसका सिंप्लीफिकेशन, देख लेते हैं। एक एक बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, राइट, इसका जो कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, उसको आप बहुत ध्यान से देखना आप, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ माइनस टू प्लस थ्री, क्या लिखा मैं, माइनस टू प्लस थ्री। अभी मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि यहाँ इन दोनों में साइन किसका ज्यादा है, दो ही साइन होते हैं, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, राइट, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, एक मल्टीप्लाई होता है और एक डिवीजन होता है। मैथमेटिक्स में ये चारों बहुत ही आपके लेवल पे यही चारों अभी मुख्य रूप से है मैथमेटिक्स में। अभी मुख्य रूप से हमें किन चीजों पे बातें करनी है, माइनस की और प्लस की, राइट, ये माइनस और प्लस। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि प्लस वाला ज्यादा है या माइनस वाला ज्यादा है साइन में। तो यहाँ पे देखो आप मुख्य रूप से प्लस वाला ज्यादा है क्योंकि थ्री है, ये प्लस में थ्री है, राइट, और यहाँ पे माइनस का क्या है, माइनस में क्या है, कम है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैसे बनेगा ये देखते हैं। यहाँ पे एक एक वर्ड को जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, राइट। तो देखो यहाँ पे माइनस टू और ये प्लस थ्री, तो देखो ये थ्री कितना ज्यादा है, वन ज्यादा है। तो देखो पहले साइन का डिसीजन लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखते हैं कि साइन किसका ज्यादा है, तो किसका ज्यादा साइन मिल रहा है मुझे, प्लस का, तो प्लस साइन पहले दे देंगे, क्लियर। अब बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या करना है, घटा देना है। क्या कहा मैंने, बड़े वाले नंबर में से, ये देखो थ्री बड़ा नंबर है ना, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो थ्री माइनस टू कितना हो गया, ये वन हो गया, तो प्लस में वन, इसका जवाब क्या मिला, प्लस में वन। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अगर दोनों माइनस माइनस हो, देखो यहां पे माइनस टू और माइनस टू, क्लियर है, दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। इन सब चीजों को क्लास सिक्स में काफी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये इसका रिवीजन ही नाम है, लेसन का नाम ही है रिवीजन, राइट। तो माइनस टू और माइनस टू यहाँ पे आपको दिख रहा है, माइनस टू और माइनस टू, राइट, ये टू के आगे भी माइनस, ये टू के, तो याद कीजिए मैं आपको एक वर्ड बोलता था कि सेम सेम साइन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, राइट, लेकिन साइन उसी का रहेगा, राइट। तो देखो ये भी माइनस में, ये भी, मतलब सेम बिरादरी है ना, जैसे पटेल बिरादरी है तो पटेल बिरादरी में, राइट, ठीक है, साहू बिरादरी है तो साहू बिरादरी में, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे ये क्या है, ये भी निगेटिव है और
ये भी निगेटिव है, ये दोनों निगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, माइनस साइन वही रहेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन वही रहेगा, दो और दो चार, और ये जो साइन है ये ऐसा मानना कि ये पटेल बिरादरी का है, ठीक है, ऐसा बस समझाने के लिए आप लोग को ये सारी चीजें बोल रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और जैसे यहाँ पे लिखा रहे थ्री है ना और माइनस टू, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, थ्री के आगे प्लस लिखा रहे तो भी चलेगा और नहीं लिखा रहे तो भी आपको क्या मानना है, ये प्लस में ही है, ठीक है। तो थ्री माइनस टू दैट मीन्स क्या हो गया, थ्री माइनस टू, अब देखो आपको तो पता है, अब यहाँ पे फिर से वही चीज देखना है कि साइन किसका ज्यादा है, तो साइन किसका ज्यादा है, प्लस का साइन ज्यादा है, साइन किसका ज्यादा है, प्लस का, तो सबसे पहले प्लस साइन आएगा, राइट। अब थ्री में से यानी कि बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा दो, तो थ्री माइनस टू हो गया कितना, वन, ये हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल से हम लोग देखने वाले हैं, माइनस थ्री और प्लस थ्री, यहां ध्यान से देखो आप, अगर सेम, अगर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो आप क्या हो रहा है, प्लस थ्री और माइनस थ्री, ठीक है, वही नंबर प्लस में है और वही नंबर माइनस में है, तो इसका रिजल्ट पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तीन रुपए पॉकेट में थे और तीन रुपए खर्च भी हो गए, क्लियर है, तो कितना बचा, जीरो बच गया। वही चीज है यहाँ पे कि अगर सेम नंबर प्लस में और सेम नंबर माइनस में दिख जाए, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस सॉरी फोर माइनस एट, क्या लिखा मैंने, फोर माइनस एट। तो यहाँ पे स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि पहले साइन देखना है कि साइन किसका ज्यादा है, राइट, देखो ये प्लस में है और ये एट किस में है, माइनस में, तो ये एट का साइन क्या है, ज्यादा है, ये एट का साइन, ये निगेटिव वाला साइन ज्यादा है, तो साइन किसका दे देंगे, निगेटिव का, साइन जिसका ज्यादा उसका साइन हम पहले दे, पहले से दे देना है, राइट। अब क्या करना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को क्या करना है, घटा देना है, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को घटाना है, तो 8 माइनस फोर कितना हो गया, 4, 8 माइनस फोर, तो देखो माइनस में 4 आया आंसर, कितना आ गया, माइनस में 4 आंसर आ गया, राइट, ठीक है। और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस भेजने वाला हूँ, जिसको आपको सॉल्व करके आपको क्या करना है, भेजना है, सॉल्व करके आपको हमें क्या करना है, भेजना है हमें, राइट। तो आप देखते हैं आगे और भी एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट, ताकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट, इसका किस तरह से ये वर्क करता है इंटीजर। जैसे दो इंटीजर दे रखा है, फिर से यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि 5 माइनस 8, क्या लिखा हुआ है, 5 माइनस 8, यहाँ पे ध्यान से देखो ये 5 किस में है, ये 5 प्लस में है और ये 8 किस में है, 8 किस में है, माइनस में है, 8 किस में है, माइनस में है, और ये 5 किस में है, प्लस में है, तो ध्यान से देखो, अब फिर से वही कंसेप्ट लगाना है कि साइन किसका ज्यादा है, तो साइन माइनस वाले का साइन ज्यादा है, तो माइनस साइन दे देंगे, साइन का खेल खत्म। अब बड़े वाले नंबर कौन है, 8, 8 में से 5 को क्या करना है, घटा देना है, तो 8 में से 5 गया 3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, राइट, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि, लिखा हुआ है 32 माइनस, क्या लिखा हुआ है, 32 माइनस 4, 32 माइनस 4, अब ये प्लस में है, क्लियर है, तो ध्यान से देखो, एक प्लस में है और एक माइनस में है, याद रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे भी ध्यान से देखो आप, एक प्लस में रहता है तो एक माइनस में, तब हम ये साइन वाला कन्वर्जन लगाएंगे, क्लियर। यहाँ पे भी देखो, ये प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है, दो इंटीजर है, एक माइनस फोर है और एक प्लस 32 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कौन सा इंटीजर का साइन ज्यादा है, राइट, तो प्लस वाला ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, क्लियर है, क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। अब देखो, ठीक है, अब 32 में से, यानी बार बार बोल रहा हूँ, बड़े वाले नंबर में से छोटे नंबर को क्या करना है, घटा देना है, तो 32 माइनस 4 कितना हो जाएगा,
32 माइनस 4 कितना होगा, अब आप मुझे बताओ, 28 हो जाएगा। क्लियर है क्या हो जाएगा? तो ये चीज आपको फिर से एक और एग्जांपल, यहाँ पे इन दोनों एग्जांपल में क्या देखा आपने कि साइन अलग अलग था, जैसे एक प्लस में था तो एक माइनस में, एक माइनस में है तो एक प्लस में, है ना। आगे एक और एग्जांपल देख लेते, जैसे अगर दोनों साइन सेम हो जाए, है ना, अगर दोनों के दोनों साइन सेम हो जाए प्राची, अगर दोनों के दोनों साइन सेम हो जाए माइनस फोर और माइनस फोर, अगर दोनों साइन सेम हो जाए, क्लियर है, तो क्या करना है इसमें, आप देखो जरा ध्यान से, इसमें ध्यान से देखो गोपाल, ध्यान से देखो बेटा, माइनस फोर और माइनस फोर अगर दोनों के दोनों साइन अगर सेम हो जाए, ये फोर भी माइनस में, मान लो ये फाइव है और ये फाइव भी माइनस में, तो ये दोनों के दोनों साइन उल्टा उल्टा नहीं है, एक प्लस था एक माइनस, ऐसा नहीं है, दोनों साइन सेम है। तो जब दोनों साइन सेम रहे तो आपको क्या करना है, साइन वही दे देना है और दोनों को ऐड कर देना है, फोर प्लस फाइव नाइन, है ना, नाइन लोग हैं। क्लियर है? अब चलो आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये तीसरा एग्जांपल था और ये चौथा एग्जांपल एक और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे थ्री प्लस फोर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थ्री प्लस फोर, तो यहाँ पे देखो ये फोर किस में है, प्लस में, ये थ्री किस में है, यहाँ कुछ नहीं लगा है तो किस में है, प्लस में। क्लियर है? ये थ्री किस कुछ नहीं लिखा है इसके आगे में, इसका मतलब ये किस में है, प्लस में, इसका मतलब ये दोनों के दोनों किस में है, प्लस में है, ये दोनों के दोनों किस में है, प्लस में, तो ये दोनों के दोनों प्लस में ही रहेंगे, क्योंकि साइन सेम सेम रहेगा तो वही साइन लग जाएगा, और फोर और प्लस थ्री कितना हो जाएगा, सेवन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, राइट। तो ये इसका कंसेप्ट था कि किस तरह से इंटीजर काम करता है, साइन कैसे आता है, माइनस में साइन कैसे आ गया, प्लस में साइन कैसे आ गया, ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि माइनस वाला साइन ज्यादा था, है ना, इन दोनों में हमने देखा क्या कि माइनस का साइन जिसका ज्यादा हो जाए, राइट, ठीक है जतिन, माइनस का साइन ज्यादा हो जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो माइनस का साइन लेना है, और एट माइनस फाइव किया जाए तो क्या करना है, थ्री। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था हमने कि प्लस का साइन ज्यादा है तो प्लस लिख दिया मैंने, और 32 माइनस 4 हो गया तो कितना हो गया, 28 माइनस 4, और दोनों दोनों साइन अगर सेम सेम रहे, माइनस 4 माइनस 5, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, साइन वही रहेगा, बस ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसमें क्या देखा मैंने, ये 3 भी प्लस में था और 4 भी प्लस में है, तो ये दोनों के दोनों क्या, साइन वही रह गया, क्योंकि दोनों साइन सेम है, साइन वही रह गया, और 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 हो गया, 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर है? और एक चीज और, अगला नेक्स्ट लास्ट है, माइनस 4 और प्लस 4, क्लियर, यह चीज है माइनस 4 और प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, सेम नंबर प्लस में है और सेम नंबर माइनस में है, तो इसका अभी वो कुछ देर पहले ही बताया था, क्या हो जाता है, जीरो, क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, सेम नंबर, वही नंबर प्लस में और वही नंबर माइनस में रहे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है जतिन, हाँ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये था आप लोग का एक बेसिक कंसेप्ट कि किस तरह से साइन का साइन चलता है, राइट, क्लियर है। तो ये सब साइन समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो है, कुछ प्रॉब्लम जो है, मैं आप लोग को यहाँ पे दूंगा और आपको भेजता हूँ, भेजूंगा मैं उसको, तुरंत बना के आपको भेजना है बेटा। आप लोग का जो होमवर्क है, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसके बाद जो होमवर्क है, वो बहुत ही लेट से आ रहा है, कुछ विद्यार्थी का बहुत ही जल्दी आ जा रहा है, बहुत ही अच्छा, वेल एंड गुड, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत ही लेट से अपना होमवर्क आप हमें भेज रहे हैं। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में आप कभी तो वो वीडियो देखते होंगे, राइट, तो आप उसी समय कर लिया करो आप उसको, तो दो दिन तीन दिन चार दिन बीत जा रहा है फिर भी आपका वीडियो, आपका जो आंसर है वो नहीं आ पा रहा है, राइट। तो इस तरह से ना करें आप लोग, नहीं तो मैं पढ़ाता चला जाऊंगा और आप पिछड़ते चले जाओगे, राइट। तो जो भी है, जितना भी मैं पढ़ा के भेजता हूँ उसको तुरंत आप उसको बनाएं कॉपी में, जो मैथ की कॉपी आपको बनाने बोला हूँ उस कॉपी को आप बनाओ, राइट। तो यहाँ पे ये जितना भी इसका कंसेप्ट था, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से ये सभी चीज़ें क्लियर कर चुके होंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।